नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बाबू जोशी नौलखी में। साथियों, आज की शुरू में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारी गाय लंपी स्किन डिजीज से प्रभावित है और गाय प्रेग्नेंट भी है तो क्या वह बच्चा गिरा सकती है, और अगर बच्चा गिरा सकती है तो हमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे बच्चा गिराने से पहले, और हम क्या इलाज करें ताकि ऐसी कंडीशन न आए। तो इसके लिए वीडियो आप जरूर पूरा देखना ताकि आप कुछ उपाय घरेलू तौर पर कर सकें और अपनी गाय को अबॉर्शन से रोक सके। तो जब भी आपकी गाय बच्चा गिराएगी तो उससे पहले आपको कुछ लक्षण जरूर दिखाई देंगे। लंपी स्किन डिजीज गाय को आप हमेशा अलग रखते ही हो तो आपको थोड़ा सा उसका ध्यान भी रखना है ताकि आप यह वहम भी निकाल सको कि कहीं हमारी गाय के पेट के अंदर ज़्यादा गर्मी तो नहीं हो रही है, यानी अगर हमने उसे सही समय पर ट्रीटमेंट जो हम करवा रहे हैं, जो डॉक्टरी इलाज करवा रहे हैं, उसका कोई रेगुलेशन नहीं है तो फिर जो अंदरूनी गर्मी है वो बढ़ सकती है। साथियों, मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं केसेस जिसके अंदर है वो बार बार इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और उससे पशु के अंदर का जो तापमान है वह बढ़ रहा है और पशु अबॉर्शन की तरफ बढ़ रहा है और पशु बच्चा गिरा भी रहा है। तो हमें क्या देखभाल करनी है, हमें ज़्यादा इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाने हैं, हमें केवल बुखार, क्योंकि इस लंपी स्किन डिजीज में बुखार तो आता ही है, तो हमें बुखार का इंजेक्शन लगवा लेना है। इसके साथ साथ अगर त्वचा के अंदर, क्योंकि जलन त्वचा के अंदर होना लाजमी है, पशु की जो त्वचा है वो सिकुड़ने लगती है और उसमें काफ़ी पेन होता है गाय को, तो आप त्वचा में इन्फेक्शन न हो, ज़्यादा दर्द कम हो, इसके लिए आप ये इंजेक्शन लगा सकते हो। लेकिन एक बार इंजेक्शन लगवाने के बाद आप उसमें गैप रखें आगे के लिए, कम से कम आप 2 से 3 दिन बाद में इंजेक्शन दोबारा लगवा सकते हो। कई किसान भाई है वो लगातार इंजेक्शन लगवा रहे हैं, उन्हें पता नहीं होता है, तो आज लगवा लिया कल और लगवा लेते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी गाय प्रेग्नेंट है और आप बार बार इंजेक्शन हर रोज़ लगवा रहे हो तो आपकी गाय को जो लंपी स्किन डिजीज है वह तो है ही है, इसके साथ साथ आपका पशु है वो बच्चा भी गिरा सकता है। तो आपको देखभाल क्या करनी है घरेलू तौर पर मैं आपको बताऊं तो आपको अपनी गाय की कुछ सार संभाल अगर करेंगे आप जो गाय है उसको अबॉर्शन से रोक सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी गाय की साफ सफाई रखनी है, यानी आपने अपने पशु के नीचे की साफ सफाई रखनी है और अपने पशु को प्रॉपर नहलाना है, यानी आपको दिन में 4 से 5 बार फिटकरी और नीम के पानी से लगातार अपने पशु को नहलाना है, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस पशु को न आए, क्योंकि ये जो स्किन डिजीज रोग है इसके अंदर पशु में स्ट्रेस आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। एक तो त्वचा में खिंचाव रहता है, पशु अकड़न रहती है पशु के, और साथ में पशु ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता है, तो ऐसे में रही जुई चींचड़ी कलनी वगैरह पशु पर मंडराने लगती है, ज़्यादा मक्खी मच्छर ज़्यादा आते हैं, तो पशु में स्ट्रेस भी बढ़ जाती है और स्ट्रेस के कारण भी पशु है वो बच्चा गिरा सकता है। तो आपको पशु को स्ट्रेस से बचाना है, पहला काम यह करना है। इसके लिए आपको निरंतर फिटकरी और नीम के पानी से नहलाना है और जुई चींचड़ी कलनी न लगे, इसके लिए आप हल्दी और सरसों का तेल का लेप है जहाँ पर ये जूं चींचड़ी कलनी ज़्यादा लग, जैसे वेजेना पार्ट हो गया इसके आसपास और थनों में पशु के गर्दन के आसपास, यहाँ पे आप सरसों का तेल की मालिश है वो लगातार करें, हर रोज आप करें ताकि जूं चींचड़ी कलनी से बचा सके। साथ में जहाँ पर पशु बैठ रहा है वहाँ पर आप साफ सुथरी मिट्टी डालें ताकि पशु आराम से बैठ सकें। इसके साथ ही आपको पानी की प्रॉपर व्यवस्था करनी है ताकि पशु के अंदर थोड़ी भी अगर प्यास लगे पशु को तो थोड़ा पानी आराम से पी सके, और आपको जो भी आप आहार खिला रहे हैं पशु जो भी थोड़ा बहुत खा रहा है वह पका करके दें अपने पशु को, उसको आप गर्म करके जो भी आहार दे रहे हो और उस आहार के अंदर आप थोड़ा बाजरा की मात्रा भी ज़रूर ऐड करें, उसको गर्म करके आप ठंडा करें, उसके बाद ही खिलाएं अपने पशु को। इन तमाम बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका पशु है वो बच्चा गिराने से रुक जाएगा और आपका पशु है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। अब सवाल यह भी उठता है कि अगर हमारा पशु बच्चा गिराने वाला है तो हमें पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए जब भी आपकी लंपी स्किन डिजीज प्रभावित गाय आराम करे, थोड़ा बैठे, तो उस समय आप उसके वेजेना पार्ट की तरफ जब देखेंगे तो आपको कोई डिस्चार्ज या तार मतलब नज़र आएगा क्या, यह देखना है आपको। अगर उस डिस्चार्ज की मोटाई थोड़ी ज़्यादा हो और उसकी लंबाई भी थोड़ी ज़्यादा हो तो कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है, उस समय से आप रेगुलर ध्यान रखें। अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो आप ध्यान ज़रूर करें, अपनी बैठी हुई गाय का आप डिस्चार्ज देखें कि कैसा डिस्चार्ज दिखा रही है। उस डिस्चार्ज के अंदर अगर लंबाई आपको ज़्यादा नज़र आए, मोटाई ज़्यादा नज़र आए, यानी जिस समय गाय बच्चा देती है प्रॉपर 9 महीने पूरे करने के बाद, उसी प्रकार का डिस्चार्ज आपको अगर आपकी गाय 6 महीने की 7 महीने की का भी न और वह बच्चा गिरा रही है यानी अबॉर्शन कर रही है गाय, तो आप उस समय भी ये डिस्चार्ज देख सकते हो, वैसा ही डिस्चार्ज होगा। ऐसा होगा तो आपको जल्दी से अपनी गाय की देखभाल शुरू करना है, उसे नहलाना है, उसे किसी भी प्रकार की अंदरूनी गर्मी न आए इस प्रकार की आपको व्यवस्था करनी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल बने तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।